तो फील गेम फैमिली आज से 10 साल पहले 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज पेपरव्यू में द शील्ड ने WWE में उनका डेब्यू किया था और शील्ड ने आकर मेरे फेवरेट सुपरस्टार यानी कि जॉन सीना पर अटैक भी कर दिया था। तो आज 10 साल बीत चुके हैं जब शील्ड ने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था, इसलिए आज मैं एक तरह से शील्ड स्पेशल कर रहा हूँ। तो एक तरफ टीम है पुरानी शील्ड की और एक तरफ टीम है जो शील्ड अभी बन चुकी है। तो आज का गेम प्ले है ओजी शील्ड यानी कि ओरिजिनल शील्ड वर्सेस द न्यू शील्ड सिक्स मैन टैग टीम एलिमिनेशन मैच। तो जब तक ये गेम प्ले स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में शील्ड ओपी कर लो भाई, और अगर शील्ड आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना तो आज बनता है। और मैं एनालिटिक्स में देख रहा हूँ कि बहुत लोग देखते हैं डेली चैनल लेकिन सब्सक्राइब करने में आलसीपन दिखा रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबाओ ताकि मैं जैसी वीडियो डालू, लाइव स्ट्रीम करूं, आपको एकदम नोटिफिकेशन मिल जाए। आज दोनों में से कोई भी टीम जीतेगी आज शील्ड ही। मैच स्टार्ट होते के साथ स्लिंग ब्लेड लगा दिया और फिनिशर। सेथ अपना फिनिशर बचा के रखने वालों में से नहीं है, स्टॉम्प लगा दिया, बूम, एलिमिनेट नहीं हुए, नॉकआउट नहीं हुए बिग डॉग। इतना जल्दी अगर बिग डॉग एलिमिनेट हो जाए तो ओरिजिनल शील्ड की तो हिम्मत टूट जाएगी। एलिमिनेट नहीं हुए, ऑब्वियसली एलिमिनेट नहीं होते। और डीन एम्ब्रोस और जॉन मॉक्सली में लड़ाई होने ही वाली थी लेकिन जॉन मॉक्सली निकल गए बाहर। बिग डॉग को टैग देना चाहिए, हेल्थ जा चुकी है, जॉन टैग दो, सेथ को सेथ ही संभाल सकता है, जॉन सेथ को टैग दे दो। तो सेथ की स्टॉर्म का बदला लेने वाले बिग डॉग स्पीयर लगाकर। सेथ के पास रिवर्सल का चांस है, रिवर्स नहीं, क्या स्पीयर लग गया। बिग डॉग का पिनफॉल मत ही करवाना है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, अभी पिनफॉल नहीं होने जा रहा। एक काम करो, एक और स्पीयर लगा सकते थे, पता है स्टंट अच्छा मौका एक और स्पीयर लगाने का। डीन एम्ब्रोस वर्सेस जॉन मॉक्सली, चलो फाइनली यही तो देखना था। नया वाला मैंने डीन एम्ब्रोस डाउनलोड कर लिया, जैसा आप लोग देख सकते हो। नया वाला से मेरा मतलब है कि बहुत पुराना वाला डीन एम्ब्रोस, जब अभी के मुकाबले थोड़े पतले थे और उस टाइम एम्ब्रोस के अच्छे खासे बाल भी थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। वैसे ही वाले एम्ब्रोस डाउनलोड कर लिया है जो कि शील्ड की तरफ है। सेट एक और फिनिशर देने की सोच रहे हैं या फ्रॉग स्प्लैश, कुछ तो उल्टा सीधा करने वाले बिग डॉग के साथ। फर्स्ट एलिमिनेशन करने के लिए बिग डॉग का हेड येलो कर दिया है सेथ ने। एक और फिनिशर अगर लगा बिग डॉग को तो एलिमिनेट हो सकते हैं, अभी पिनफॉल नहीं होगा सेथ, क्या ही कर रहे हो। एक और फिनिशर दो या फिर टैग दो, ट्राइबल चीफ आ रहा है, ट्राइबल चीफ वर्सेस बिग डॉग, कौन किसको करेगा एलिमिनेट। ट्राइबल चीफ फुल मूड में लग रहे, आई थिंक गिलिटिन, पक्का गिलिटिन। मैंने ओ स्पीयर, मैंने गलत सोचा था, स्पीयर लगाया और बिग डॉग को एलिमिनेट कर दिया ट्राइबल चीफ ने। फर्स्ट एलिमिनेशन शील्ड की तरफ से हो गया, कुछ ज्यादा ही जल्दी, ट्राइबल चीफ से पंगा थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन एलिमिनेट कर दिया बिग डॉग को, अपने पुराने रूप को एलिमिनेट कर दिया है। अब डीन एम्ब्रोस अपनी टीम के लिए मैच को संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर मैच जीतना है तो ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट करना होगा। जब तक ट्राइबल चीफ है तब तक न्यू शील्ड की जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट करो, चांसेस हाई हो जाएंगे और प्लस बराबर भी मैच हो जाएगा। ओरिजिनल शील्ड को ना बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन से मैच खेलना होगा। एक गलती और ट्राइबल चीफ एक और एलिमिनेशन, एंड ऑफ डेज क्यों दे रहे हैं डीन एम्ब्रोस। ओ भाई ये फिनिशर था, पता नहीं जिसने भी डीन एम्ब्रोस को बनाया, मैंने चेक नहीं किया है, जिसने भी इस डीन एम्ब्रोस को बनाया है, चलो डर्टी डीड्स फिनिशिंग मूव नहीं दिया, कोई और दे देता। ये टकलू बैरन कॉर्बिन का फिनिशिंग मूव एंड ऑफ डेज देना जरूरी था क्या? डीन एम्ब्रोस मुझे पसंद है, और किसी का मूव देना चाहिए था। द शील्ड के आर्किटेक्ट और शील्ड के नंबर वन धोखेबाज मैगी बालो वाले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ रहे हैं। ट्राइबल चीफ को फिनिशर है, ट्रबल इन पैराडाइज क्यों दे रहा भाई, ये क्या हो रहा है? सेथ और डीन के साथ कुछ गड़बड़ी है क्या? ट्रबल इन पैराडाइज क्यों दे रहे थे भाई? सेथ ये हरकतें रही तो मैच चला जाएगा हाथ से, याद रखना। ट्राइबल चीफ लेके अपने कॉर्नर में, डबल टीम अप, विजनरी वर्सेस आर्किटेक्ट होने वाला है, कौन किसको एलिमिनेट करेगा। ट्राइबल चीफ ने बिग डॉग को कर दिया, विजनरी ने अगर आर्किटेक्ट को कर दिया ना एलिमिनेट, ओ भाई खतरनाक हो जाएगा, नहीं बड़ा सही जाएगा, फिर जॉन मॉक्सली डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट कर दे, वाह। लेकिन मैं चाहता हूँ पुरानी वाली शील्ड जीते। स्टॉम्प लगा दिया है आर्किटेक्ट को, स्टॉम्प लग गया है, बूम, एलिमिनेट नहीं हुए, बच गए, हेड येलो हो गया है लेकिन वीक हो गए आर्किटेक्ट, डीन ने बचा लिया। और उधर से जॉन मॉक्सली तुरंत आ जाते हैं डीन एम्ब्रोस को मारने। अच्छा अपने पुराने कैरेक्टर से सबको इतना चिढ़ है ना, क्या बताऊं मैं, नोटिस करना आप लोग, विजनरी आज कमाल कर रहे हैं। बिग डॉग को भी पहले स्टॉर्म देके इंजर्ड विजनरी ने किया था और आर्किटेक्ट को भी अच्छा खासा कूट दिया है विजनरी ने, टैग देने जा रहे हैं। ओके टैग, ट्राइबल चीफ आ रहे हैं। अच्छा ये नोटिस किया दोनों डीन एम्ब्रोस क्या है, मां कसम वो दोनों क्या कर रहे हैं, मार भी नहीं कर रहे भाई, दोनों क्या चाय नाश्ते पे निकल गए, जुड़वा जुड़वा खेलने लगे। आर्किटेक्ट सेट को अगर टैग देना रहा तो डीन एम्ब्रोस कॉर्नर में भी नहीं है। ट्राइबल चीफ की बॉडी भी येलो है, सर भी येलो है, आर्किटेक्ट का भी सेम वही हाल है, पहले फिनिशर कौन देता है ये मैटर करता है। दोनों डीन एम्ब्रोस लेकिन है कहां भाई, मेरा ध्यान भटका हुआ है, प्लीज एक तो नजर आओ, ए नजर आए, जॉन मॉक्सली रिटर्न आ चुके हैं, पता नहीं कहां थे,
और डीन एम्ब्रोस लेकिन कहां है, ट्रबल इन पैराडाइज देने जा रहे हैं। आर्किटेक्ट लगा दिया ट्रबल इन पैराडाइज, लेकिन इसके बाद भी ट्राइबल चीफ एलिमिनेट नहीं हुए हैं और जॉन मॉक्सली बचाने आ रहे हैं। डीन एम्ब्रोस भी आ चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस, दोनों डीन आ चुके हैं भाई, खतरनाक। आर्किटेक्ट टैग देना चाहिए था, अच्छा मौका था, अभी टैग देके रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ट्राइबल चीफ की मार जो खानी है, पता था मेरे को, बढ़ गया ना गिलिटीन, मार खाना जरूरी है क्या? और डीन एम्ब्रोस बचाने आए, वापस क्यों चले गए? मैं समझ गया, डीन एम्ब्रोस को फ्यूचर दिख गया होगा कि ये मैगी बालो वाला फ्यूचर में धोखा देने वाला है शील्ड को, इसीलिए बचाया नहीं और पिटने दिया, पिनफॉल हो सकता है। डीन अभी भी बचाने नहीं आ रहे, डीन इतना गुस्सा, किकआउट कर दिया किसी तरह, लेकिन डीन इतना गुस्सा आज के लिए अच्छा नहीं है, डीन एम्ब्रोस को आज बचा लेना चाहिए था। और इधर से आ रहे जॉन मॉक्सली, अरे टैग दो ना जॉन, आर्किटेक्ट पिटने का इतना शौक है, फिनिशर देने जा रहे थे, छीन लिया फिनिशर, डर्टी डीड सीना है भाई, अपना फिनिशर देंगे क्या? सेट अभी भी मौका है, टैग दे दो, डीन एम्ब्रोस वेट कर रहे थे, टैग ही नहीं दे रहे, देख लो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस है भाई साहब को, और ट्रबल इन पैराडाइज देकर एलिमिनेट कर दिया। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है, जैसे आज कमा है, बहुत सही, दोनों टीम में दो दो प्लेयर है, लेकिन सेट अभी भी मौका है, जाके टैग दे दो। अच्छा सेट ट्राइबल चीफ को भी फिनिशर देने की कोशिश करने वाले हैं, एक और एलिमिनेशन करना चाह रहे हैं, आई थिंक सिग्नेचर लगा दिए, ये न्यू डे वाला क्यों है मुझे पता नहीं है, लेकिन यही है फिलहाल, सिग्नेचर छीन लिया ट्राइबल चीफ ने, छीन लिया सिग्नेचर, अब पड़ेगी सेट को। आर्किटेक्ट और ट्राइबल चीफ दोनों की हेल्थ इक्वल है, लेकिन ट्राइबल चीफ के पास एडवांटेज है, सिग्नेचर फिनिशर दोनों, और सेट को टैग मिलने जा रहा है, विजनरी, विजनरी सेट वर्सेस आर्किटेक्ट सेट, कौन किसको एलिमिनेट करेगा? विजनरी के पास सिग्नेचर है, आर्किटेक्ट के पास ना सिग्नेचर ना फिनिशर, कुछ नहीं। और फाइनली डीन एम्ब्रोस वर्सेस ट्राइबल चीफ, डीन एम्ब्रोस को बहुत सालों के बाद मिलते के साथ टैग लगा दिया फिनिशर, मैं कसम टैग मिला ही क्यों था, गिलिटीन दे दिया है और सेट कवर कर रहे हैं कि अगर कोई रोकने आया, लेकिन रोकने वाला कोई है नहीं, एक और फिनिशर पड़ा के डीन एम्ब्रोस एलिमिनेट नहीं हो जाए, बहुत टाइम के बाद डीन को टैग मिला था, ट्राइबल चीफ ने फिर से रिवर्स कर दिया और सिग्नेचर भी आ चुका है, ट्राइबल चीफ फिर से टैग देने जा रहे, विजनरी को टैग मिल गया है, डीन एम्ब्रोस अगर ऐसे ही पड़े रहे तो एलिमिनेट हो जाएंगे, सेट पे डिग्री के लिए जाने वाले भाई, आज ही ये वाला डीन का मॉड डाउनलोड किया है, कुछ तो जलवे दिखाओ डीन एम्ब्रोस, सिर्फ अच्छे दिख रहे, कुछ जलवे भी दिखा दो, सब देखना चाहते हैं, शील्ड स्पेशल है, बहुत मार खाया, मैं जलवे दिखाने की बात कर रहा हूं, रिवर्स कर सकते थे, एक और चांस था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मौका, पिनफॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ठीक नहीं है, नहीं हुआ है पिनफॉल, लेकिन आई थिंक सिग्नेचर पड़ेगा तो पिनफॉल या नॉकआउट हो जाएंगे, फिनिशर स्टॉम्प, सेट ने स्टॉम्प लगा दिया, बूम एलिमिनेट, एक लास्ट आर्किटेक्ट बच गया, आर्किटेक्ट वर्सेस विजनरी, ओरिजिनल शील्ड में सिर्फ एक आदमी बचे और ओरिजिनल शील्ड हार रही है आज, शील्ड स्पेशल के दिन, जिस दिन शील्ड ने डेब्यू किया था, ओरिजिनल शील्ड को जीतने के लिए दो दो लोग को एलिमिनेट करना होगा, विजनरी सेट और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है, और दिक्कत ये है कि आर्किटेक्ट के पास ना ही सिग्नेचर है ना ही फिनिशर, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाला है, और विजनरी सेट की पूरी हेल्थ बचा के रखी हुई है, ओह भाई, न्यू शील्ड लगता है ये मैच जीत जाएगी, 90% चांस तो लग रहा है, अब ओरिजिनल शील्ड को ये मैच कोई मिरेकल ही जिता सकता है, पिनफॉल, अरे इतना जल्दी नहीं होगा एटलीस्ट, लेकिन फिनिशर आ गया, फिनिशर आ चुका है, आर्किटेक्ट के पास अगर फिनिशर लगाओ तो पैर भी डैमेज कर दिया, पैर भी येलो, बॉडी भी येलो, हेड भी येलो, मां कसम बहुत मारा है यार, अच्छा खासा जा रहे थे, और ये आई थिंक सिग्नेचर के लिए जा रहे हैं, आर्किटेक्ट से फ्रॉग स्प्लैश कूदने वाले हैं, बहुत पीटा, पिनफॉल अब हो सकता है, किक आउट कर दिया, फिनिशर है, फिनिशर है, आर्किटेक्ट ओके, ट्रबल इन पैराडाइज, इससे एलिमिनेट किया जा सकता है, रिवर्स नहीं किया, बूम, लेकिन एलिमिनेट नहीं हुआ, पिनफॉल हो जाएगा, पर ट्राइबल चीफ बचा सकते हैं, ट्राइबल चीफ ने नहीं बचाया, खुद से किक आउट किया, कमाल है, सिग्नेचर है अभी भी, विजनरी सेट को भागना चाहिए, ट्राइबल चीफ को टैग दो, सिग्नेचर भी है, भागी नहीं रही, ये पड़े हुए, ओ भाई सो गए, ऐसा क्या मार दिया है, उठो विजनरी, ये उठने से रहे, लग रहा नहीं, हाँ उठो कुछ तो, ओके रिवर्स, भागने का अच्छा मौका था, अभी भी मौका है, मौका है, पेडिग्री, आई थिंक सिग्नेचर गए, जीत गए, न्यू शील्ड जीत गए, आई थिंक लग तो रहा है, बूम एलिमिनेट नहीं हुए, बच गए, पिनफॉल हो सकता है, चांसेस है कि पिनफॉल हो जाएगा, वो बचे हुए मैच में अभी भी, खतरनाक, ये है ओरिजिनल शील्ड, अभी भी मैच में बने हुए किसी तरह,
लेकिन फिनिशर आ चुका है, विजनरी के पास भी फिनिशर है, ट्राइबल चीफ को टैग देने ले जा रहे हैं, 2-on-1 डबल टीम अप, बड़ा आर्किटेक्ट को भाई डबल टीम अप करके मुंह पे लात। रोमन बहुत खुश होते हैं, चाहे कोई भी सेट को वो मारे रोमन को बहुत खुशी मिलती है। ट्राइबल चीफ ने एक सुपरमैन पंच लगाया और गेम खत्म है। आर्किटेक्ट सेट ने रिवर्स तो कर दिया, लेकिन एक एक मूव यहाँ से बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिग्नेचर लगाया, एलिमिनेट, ट्राइबल चीफ एलिमिनेट नहीं हुए, बॉडी ऑरेंज हो गई, पिनफॉल हो सकता है। विजनरी बचाने आएंगे ट्राइबल चीफ को, बचाने नहीं आ रहे हैं। पिनफॉल कोई किसी का बचाने क्यों नहीं आ रहा है आज, खुद से किक आउट कर दिया, लेकिन टैग टीम में पिनफॉल बचाने का रिस्क है को लेने का भाई। फिनिशर है आर्किटेक्ट ने, अगर फिनिशर दिया इस बारी पक्का ट्राइबल चीफ एलिमिनेट हो जाएंगे, 1-on-1 मैच हो जाएगा सेट वर्सेस सेट। अगर ट्राइबल चीफ एलिमिनेट हो गए तो चांसेस थोड़े कमी है, क्योंकि अरे स्टंट होने, स्टंट भाई गए, ट्राइबल चीफ गए। अगर फिनिशर लगाया रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे ट्राइबल चीफ, बहुत ही ओवर है भाई साहब, अब कुछ नहीं कर सकते एलिमिनेट होने के सिवाय। ट्रबल इन पैराडाइज और एलिमिनेट हो गए, ट्राइबल चीफ एलिमिनेट हो गए, सेट वर्सेस सेट, विजनरी वर्सेस आर्किटेक्ट, लास्ट आदमी कौन बचेगा। सुपर किक मुंह पर, आर्किटेक्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्किटेक्ट के पास सिग्नेचर फिनिशर कुछ नहीं है। सेट ने लगा दिया फाइनल स्टॉम्प, नहीं लग पाया, अगर लग जाता तो जीत जाते, लेकिन फाइनल स्टॉम्प नहीं लगा है। आर्किटेक्ट ऊपर से चढ़कर कूदने वाले भाई, ओके कनेक्ट भी नहीं हुआ, दोनों ही मिस कर रहे हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी किसी एक के पास, ओरिजिनल शील्ड और न्यू शील्ड के इस गेम प्ले में लास्ट में दो सेट बच गए हैं, किसी ने सोचा था, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और स्टॉम्प लगाने जा रहे हैं, विजनरी जिता सकते हैं न्यू शील्ड को, स्टॉम्प कनेक्ट कर दिया, पक्का जीत गए, कंफर्म है जीत, पूरा पक्का, लेकिन रिवर्स कर दिया, पक्का नहीं था, कच्चा था भाई, रिवर्स कर दिया, फिनिशर आ चुका है, ट्रबल इन पैराडाइज, गेम खत्म, बूम और जीत गए। ओरिजिनल शील्ड आज 10 साल कंप्लीट कर लिए अपने डेब्यू को भाई, तो आज तो ओरिजिनल शील्ड का जीतना बनता था। ये फैन फेवरेट टीम है, बहुत सालों से फैन फेवरेट है, और डीन एम्ब्रोस की WWE में से जाने के बाद बहुत लोग चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली वापस आ जाए WWE में, और एक ना एक बार शील्ड फिर से रियूनाइट हो, और होगी फ्यूचर में, मेरे को ऐसा लगता है। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, बाय बाय।